भरी सदन में नीतीश कुमार का हुआ भारी विरोध। विपक्ष के विधायकों ने किया जमकर हंगामा, मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के बजट भाषण के वक्त विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। बजट भाषण शुरू होते ही विपक्षी दलों के विधायक बेल में उतर आए और उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही सम्राट चौधरी ने अपना बजट भाषण शुरू कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों को बार बार अपनी सीटों पर वापस आने का आग्रह किया, मगर वे नहीं माने। विपक्ष नीतीश कुमार होश में आओ के नारे लगाता रहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने टेबल और कुर्सी भी पटकने की कोशिश की। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने मार्शल को भी बुलाकर स्थिति काबू में करने को कहा। वहीं आपको बता दें, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के बजट भाषण के बीच सदन के अंदर मार्शल और विपक्षी विधायकों के बीच तनातनी हो गई। विपक्ष के सदस्य कुर्सी और टेबल को उठाकर पटकने की कोशिश कर रहे थे, मार्शल ने उन्हें रोका। सुरक्षा कर्मी टेबल और कुर्सी पकड़कर खड़े हो गए। इस बीच विपक्षी सदस्यों से उनकी छीना झपटी हो गई। डिप्टी स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों को सख्त हिदायत दी कि वे रिपोर्टर टेबल नहीं पटके और मार्शल्स के साथ छीना झपटी न करें। हालांकि विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। सम्राट शोर शराबे के बीच ही अपना बजट भाषण पढ़ते रहे। करीब आधे घंटे तक हंगामा करने के बाद विपक्ष ने सदन में वॉकआउट कर दिया। सभी विपक्षी विधायक सदन से बाहर चले गए। सम्राट चौधरी का बजट भाषण लगभग 35 मिनट तक चला। इसमें से 30 मिनट तक विपक्ष हंगामा करता रहा। नीतीश सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें 7 निश्चयों को पूरा करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही आईटी नीति, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति पर सरकार का फोकस रहेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि पर्यटन नीति को भी बढ़ावा दिया जाएगा।